सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सुमित हियर एंड यू वाचिंग टू यूनिवर्सल एसके व्लॉग। सो गाइज, बहुत लंबे टाइम के बाद से मैं जर्नी कर रहा हूँ जो लखनऊ टू वाराणसी होगा। मैं जा रहा हूँ बनारस। तो वैसे मैं जा रहा हूँ बनारस, लगभग 2 साल हो गया होगा मुझे कोई ट्रेवल किए हुए। तो यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ये मेरा फर्स्ट जर्नी होगा जो इतना लंबा होगा। गाइज, अभी मुझे लेना है एक ईयरफोन, उसका इंपॉर्टेंस आपको बताऊँगा क्या है। तो यहाँ पे एक है शॉप, उसमें चलते हैं। यहाँ से मुझे ट्रांसपोर्ट नगर भी जाना है, तो जल्दी है मुझे। फाइनली बाइक कर लिया हूँ यहाँ से, तो चलो चलता है। यहाँ से मतलब दिल्ली निकलने वाले हो। तो गाइज, अभी मैं बैठा हूँ ई रिक्शा पे और अब मेट्रो पकड़ के फिर जाऊँगा ट्रांसपोर्ट नगर। तो भाई कितना आवाज़ कर रहा है यार, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तब जाके ज़्यादा पड़पड़ाते हैं सभी। तो इंदिरा नगर से मैं मेट्रो पकड़ूँगा, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर से फिर मुझे बस मिलेगी। हाथ पे है। तो आ गया हूँ मैं इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन और फिर यहाँ से मैं टिकट लूँगा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। तो गाइज, मैं आ गया हूँ इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पे और अभी मेट्रो आने वाली है और फिर जो है कि यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट नगर जाऊँगा। तो गाइज, मैं जो ईयरफोन लिया था वो ईयरफोन की ज़रूरत ज़्यादा थी। जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ उस टाइम पे ईयरफोन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली क्या है ना, वाराणसी बोलने में उतना मज़ा नहीं आता जितना बनारस बोलने में मज़ा आता है। बनारस को कितना मज़ा आएगा, बनारस। आप मेरे वीडियो पर बना रहो, सारी जर्नी आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से कहाँ तक मैं जा रहा हूँ और उसके बाद से भी मुझे कहीं और भी जाना है, तो वो भी जर्नी आपको दिखाऊंगा। सुबह देखो, मैं हूँ यहाँ पे इंदिरा नगर और मुझे जाना है सीधे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर। गाइज, मैं आ गया हूँ ट्रांसपोर्ट नगर, गेट नंबर 10 पे मुझे जाना है। तो पीछे एक ई रिक्शा है, उसी से मैं जाऊँगा, तो चलो चलते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा बस, योलो बस। जो है कि कितने ज़्यादा सेफ्टी रखे हुए हैं, ये देखो, ग्लव्स पहने हैं, फिर जो है मास्क पहने हैं और सारे स्टाफ्स वैसे ही हैं। तो मैं तो पहली बार इसमें ट्रेवल कर रहा हूँ, तो जैसा एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ऊपर है मेरा, तो अभी चलते हैं अंदर। कितने बजे से स्टार्टिंग? 9:30 बजे से जाएगी, चलेगी 9:30 बजे से। पहले बोर्डिंग होता है, उसके बाद से थर्मल स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद से एंट्री होती है। क्यों भैया? थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद सैनिटाइज होगा। भैया जी, ठंडा नहीं है? यही है, एक बिसलेरी पानी ले लिया हूँ। और ये देखो, एंट्री होती है ऐसे। आज ये है सीट, वीडियो में देखा था वैसा तो नहीं लग रहा है ये देखने में, बट जो भी है। सीट दिखाता हूँ पहले, ये है सीट मेरा और ये है U10 अपर है। सो गाइस, जैसा मैं सोचा था वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पर्दे होते थे और इधर स्विच लगा हुआ है, ये देखो स्विच है, इसमें पता नहीं काम करता है या नहीं करता है। तो और अंदर कुछ खास वैसे नहीं है, एसी लगा हुआ है और इसमें से हवा ठंडी ठंडी आ रही है। और मुझे जैसा लगा था वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था कि बेड जो है कि अलग अलग होंगे, लेकिन ये देखो बेड एक ही में है। ये मेरा बेड है, एक पर्सन का ये बेड है। मुझे ये लगा था कि दोनों बेड जो है कि अलग अलग होंगे थोड़ी दूरी पे, और सिंगल वाला वो है जो वो सबसे बढ़िया है।
और इसमें जो पर्दे वगैरह हैं जैसे उसमें दिखाया था वैसा कुछ भी नहीं है। और एक बोतल पानी जो मिल रहा है वो भी जो है ठंडा नहीं है। सो गाइस अभी मैं ट्रांसपोर्ट नगर से निकल चुका हूँ। इसका लास्ट स्टॉप यही है, फर्स्ट स्टॉप भी यही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नीचे गए हैं लेकिन मैं तो नीचे उतरा भी नहीं हूँ। तो गाइस अभी मैं लातारा में उतरा हूँ, ये मुझे कैंट छोड़ेंगे, कैंट से मैं कचहरी जाऊँगा। कैंट तक का वो बोल रहे थे लेट हूँ। नहीं नहीं तो गलत, थोड़ा मनमानी चलती है। अभी मैं हूँ कैंट रेलवे स्टेशन पे वाराणसी, और ये देखो तो गाइज अभी मैं हूँ ताज होटल के पास में। ये पीछे आप जो देख रहे हो ये है ताज होटल, और मैं इसके पीछे से एक गली गई है उधर मेरे को जाना, चलते हैं। और ये देखो इधर का व्यू, ये है ताज होटल। तो गाइज अभी मेरा पूरा फेस जो है सूजा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे बस से उठ रहा हूँ मैं सोया था, बहुत नींद में था। और मेरा एक्सपीरियंस अगर पूछोगे आप बस का, मेरा एक्सपीरियंस ये था योलो का कि जैसा मैं देखा था, जैसा उसमें फ़ोटो वगैरह जो शेयर किया हुआ था वैसा नहीं था, क्योंकि उसमें पर्दे वगैरह नहीं थे तो प्राइवेसी इशू हो सकते। जैसे बेड में देखा था उस पर कि थोड़ी सी गैपिंग ज़्यादा थी, लेकिन बेड एक ही में दो लोगों का था इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। गवर्नमेंट बिल्डिंग है आप जो देख रहे हो ना, ये सब गवर्नमेंट बिल्डिंग। यहाँ पर डॉग्स हैं यार, पहचान नहीं रहने लग रहा है। पेंटिंग कुछ बना हुआ है, पैर छूना पड़ता है, हम लोगों का संस्कार है पैर छूना। तो साथ में गाना भी सुन रहे हैं और टी टाइम है तो चाय भी पी रहे हैं। मैं हूँ और मेरे साथ में दो भाई मेरे और हैं। देख के बहुत मजा आ रहा है मुझे तो इसमें, पता नहीं आप लोगों को साउंड क्लियर आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैं फील दे रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग फील आ रहा है। अरे भैया थोड़ा ठोकना बंद करोगे, देख रहे हो वीडियो बना रहा हूँ मैं। नहीं बंद करेगा? Oh, no. नहीं बंद करेगा भाई, चलो कोई बात नहीं, बंद कर दिया क्या? डर गया लग रहा है। सो गाइस मैं अपना वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो वाचिंग टू यू। चलो आते ही काम शुरू, क्योंकि धुला हुआ गेहूं है तो इसको ऊपर सुखाना है। गेहूं को सुखाया जाएगा, उसके बाद से जाएगा आटा चक्की पे पीसने के लिए। तो गाइस यहां का कुछ व्यू ऐसा है, इधर एक बिल्डिंग है। सो गाइस इधर जो है कि एक स्कूल है। सो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पेंड। अभी जितना मैं आपको ट्रेवल किया हूँ सारा वीडियो में दिखाया हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग भी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। तो मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, बनारस में जो रूम है वहाँ पे आ गया हूँ। के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो।